हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे शुभम चंदेल। सो गाइस, जब से आप लोगों की एडमिशन स्टार्ट हुई थी तब से मैंने आप लोगों को गाइड किया था, एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट अपने चैनल पर डाला था। पीयूसी टीयूजी एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है वहां से लेकर के आपको उसका सिलेबस बता करके और एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद रेफरेंस भरना, हर एक चीज मैंने आपको बताई। बट अब फाइनल स्टेज ये है कि आज आपकी जो है पीयूसी ईटी यूजी बीएससी एंड बी फार्मेसी की एडमिशन जो है वो आ चुकी है डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन लिस्ट ऑफ कोर्सेज। सो बी फार्मा की लिस्ट अगर आप देखें, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टॉप मेरिट बी फार्मा की जाती है और यहाँ पर टोटल मेरिट आप चेक कीजिए 98.846% है टोटल मेरिट मार्क्स ऑफ बी फार्मा फर्स्ट में। और अगर हम नीचे जाए जर्नल कैटेगरी में, लास्ट जर्नल यानी कि ओपन, सो 26 रैंक पर 96 पर ही ये बंद हो चुकी है जर्नल कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट में 94 से ये स्टार्ट होता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में आपका 90 पर बंद हो गया है। और शेड्यूल ट्राइब के अलावा शेड्यूल ट्राइब पर यहाँ पर अच्छा खासा 75 तक आ चुका है और उसके बाद 94 ओबीसी में और बीसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि पंजाब की रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है, तो बीसी 94 से स्टार्ट होकर के 94 पर ही खत्म हो गया है। और डिफेंस में 95 और सेकंड 35, तो डिफेंस में जो 35 मेरिट काफी कम गई है, डिफेंस कैटेगरी की सबसे कम गई है। इसके अलावा यहाँ पर वन गर्ल चाइल्ड की 95 है और वार्ड्स ऑफ कश्मीर की, इसके अलावा यहाँ पर बाकी सबकी टॉप है। बॉर्डर एरिया स्टूडेंट की भी, रूरल एरिया स्टूडेंट में भी थोड़ा कम है, 90% पर एडमिशन हुआ। अब बाकी कोर्सेज की भी मेरिट लिस्ट आप लोग ऐसे ही देखेंगे। ये आपको सीट एलोकेट हुई है, सीट एलोकेट हुई है आपको आपकी। द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन लिस्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिमूवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी फॉर पीयूसीटी यूजी 2024। तो यहाँ पर आप लोगों को द कैंडिडेट हुज नेम्स अपियर इन द लिस्ट शुड डिपॉजिट फी इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन July 15, 2024 फ्रॉम 9 AM टू 4 PM। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट फी ड्यूरिंग अबव मेंशन तो उसकी सीट जो है वो आप लोगों की वो माना जाएगा कि आप अपने इस कोर्स में और इससे नीचे जो आपने प्रेफरेंसेस भरी है उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। द फी डिपॉजिट फॉर वन कोर्स विल बी ट्रांसफरेबल एडजस्टेबल। हाँ, तो ये तो होता है कि आप अगर एक फीस में, गाइज अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो चीजें आपको मैंने बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैंने बी फार्मा की डिस्कस कर लिया है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आपको कोई भी प्रेफरेंस मिली हुई हो, अगर आपका एम ये है कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही करनी है तो आप लोग फी पेमेंट कर देना, अपनी सीट रिजर्व कर लेना। अगर आपको सपोज कीजिए कि हमने कौन सी बीएससी बायोकेमिस्ट्री की एडमिशन लिस्ट खोली हुई है, तो अगर आपको बीएससी बायोकेमिस्ट्री में मिलता है और आपने बी फार्मा में लेना है, आपको फर्स्ट में बीएससी बायोकेमिस्ट्री में हुआ है बट आपका ये भी है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ही लेना चाहते हैं, तो आप इस आपको जो ईमेल आएगा उस पर लिंक आएगा फी पेमेंट का, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जाकर के देखो तो आपको पता चलेगा। ये देखिए जो डेट्स ऑफ रिपोर्टिंग टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग है, ये 15 से 18 के बीच में आपको फी पेमेंट के लिंक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और 19 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फी पेमेंट का लिंक आएगा आपको और उसमें बताया हुआ होगा कोड कि कौन से कोड पर आपने फी पेमेंट करनी है और फी पेमेंट कैसे करनी है, उसके लिए ये वीडियो अवेलेबल है। पूरे ध्यान से आपको वीडियो दिखा देता हूँ, हाउ टू पे फी पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन फीस। तो 800-900 हजार स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं, आप लोग भी फी पेमेंट से एक बार ये वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, ये डूज एंड डोंट वाली। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप फी पेमेंट करके फी रिसिप्ट डाउनलोड करके आपको दिखाई है। ये वीडियो में जैसे बताया है वैसे आपने फी पेमेंट करना है और फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने जैसा भी डिपार्टमेंट आपको ईमेल में कहता है, ये 18 तारीख तक वो आपने ईमेल, अगर वो कहता है कि आपने फिजिकली आकर के अपनी फी रिसिप्ट जमा करवानी तो फिजिकली, अदरवाइज आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन जाकर के फी रिसिप्ट जमा करवा देनी है उनकी ईमेल आईडी पर, ठीक है। अब बात आती है कि आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिली है बट आपने अपग्रेड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में ही देखिए। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस ये हो गया है 6 से 8, 12 तारीख हो गया, 19 हो गया है। फिर रिलीज ऑफ सेकंड एलोकेशन, तो सेकंड एलोकेशन लिस्ट आएगी
23 तारीख को, और इसके लिए शायद जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट में नाम आ गया है उनके लिए उनकी लॉगिन आईडी पर एक विलिंगनेस फॉर्म आएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भरिए, तो आप वो फॉर्म भर सकते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपने पहली काउंसलिंग में फी पेमेंट करी हुई है तो दूसरी काउंसलिंग में आपको फी पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। एक फॉर्म होता है फी ट्रांसफर फॉर्म, वो फी फॉर्म भर करके आपने अपने पुराने डिपार्टमेंट से साइन करवा करके नए डिपार्टमेंट जो नई सीट आपको एलोकेट होगी उसमें जाकर के दे देना है, आपकी फीस ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज चलती है कि फी ट्रांसफर हो जाती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और आप लोग अपनी फी पेमेंट कर दीजिएगा। आपको नोटिस कब आएगा फी पेमेंट का, तो फी पेमेंट का नोटिस 15 से 18 तारीख के बीच में आएगा। 12 तारीख को आपको, हो सकता है कोई डिपार्टमेंट 15 से पहले भी भेज दे, अदरवाइज 15 से 18 तक जो है वो आपको फी पेमेंट का नोटिस भी आएगा, आपने फी पेमेंट भी करनी है। इसके अलावा गाइज हॉस्टल का आ रहा है आपका डाउट कि अब हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है, हॉस्टल के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा उसकी वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। और सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखिए, बहुत सारे अपडेट्स हैं, कितने सारे अपडेट्स यहाँ पर रेगुलर आप लोगों को मिल रहे हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग जो है वो हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑन व्हाट्सएप आपका फॉर द स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कॉलेज पंजाबी KUK GNDU अमृतसर एंड अदर यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर अपडेट आपको मिलते हैं, तो आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस फी पेमेंट कर दीजिए PUCET UGC से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट डाउट है उनको मैं कमेंट रिप्लाई करके पिन करूंगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर।